वो कहते हैं ना कि घर में एक बच्चा होता है जो कि बहुत शैतान होता है, और हमारे साथ है नील जो कि यहाँ पे है शास्त्री सिस्टर के सबसे शैतान बच्चे। नील अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए। नील बहुत ही खतरनाक बच्चा है घर का। प्यार होगा तो बड़ा खतरनाक होगा, लड़ाई करेगा तो बहुत अच्छी लड़ाई करेगा, हर एक चीज़ बहुत तरीके से करता है, तसल्ली से करता है। बट है सबका लाडला, तो थोड़ा बिगड़ सा गया है, बट अब थोड़ा सुधर रहा है, प्यार में बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो सुधर रहा है। ओके नील, फैंस का डिमांड आया है कि मतलब हम लोग नील नहीं बल्कि हम लोग मतलब आपके रियल कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे, जिसमें कि आपकी 5 चीज़ें जो कि आप फैंस को शेयर करना चाहें। सुमित, हाँ सुमित शेयर करना चाहे 5 चीज़ें, तो पहली चीज़ क्या शेयर करोगे आप? मेरे को शांत रहना बहुत पसंद है। मतलब मेरे को शांति बहुत पसंद है, मतलब मैं ज़्यादा लड़ाई झगड़े में इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता, कि कोई बात डिस्कशन चल रही है मैं पीछे हो जाता हूँ, मुझे नहीं पसंद वो सब। तो फुल ऑन गांधीवादी हो, मतलब नरेंद्र मोदी? मोदी साहब तो थोड़े से खतरनाक हैं, बट गांधीवादी कह सकते हो आप। पहले ऐसी मतलब कहते हैं कि अगर कैरेक्टर के बारे में पूछे तो आप मतलब देवयानी को तो एकदम ऐसे लड़ाकू ही मतलब लिए रखे हो अपने साथ, मतलब वो होता है ना ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, क्या कहेंगे उसके बारे में? लड़ाकू विमान। पर तू मेरी जान है, ये है बात। अभी तो नील और देवयानी के बीच में, तो जैसा नील है वैसी देवयानी है, तो इसलिए क्या नील को एक मिल गया टक्कर का इंसान, कोई आज तक तो मिला नहीं था। पर देवयानी को देख के ऐसा लगता है कि यार इसमें कुछ बात है, इसमें कुछ चार्मिंग चीज़ है, तो मैं इससे लड़ता भी हूँ, झगड़ता भी, उससे प्यार भी हो चुका है भी इसके लिए, इसके चक्कर में सुसाइड भी कर चुका हूँ, तो काफ़ी चीज़ चल रही है इसकी वजह से। तो बात तो देवयानी की हुई, व्हाट अबाउट सुमित एंड सोनल? सुमित जहाँ बहुत शांत है, हमने सोनल से पूछा तो सोनल मतलब शांत नहीं दिखी मेरे को, मतलब वो थे ना चुलबुली बच्ची, तो सोनल के बारे में क्या कहेंगे आप? ये अच्छी चीज़ है उसके अंदर कि वो सबको खुश रखती है, सबके साथ गप्पे शप्पे मारती रहती है, मुझे भी अच्छा लगता है। मैं अगर चुपचाप बैठा रहूं और ये आती है तो एकदम से एक अलग ही एनर्जी आ जाती है पूरे रूम के अंदर, तो मजा आता है इसके साथ बैठने में। अच्छा ठीक है, ये तो रही पहली चीज। अगर सेकंड, अगर सुमित शेयर करना चाहे तो सुमित क्या शेयर करेंगे? मैं थोड़ा घर वाला हूँ, मतलब मॉम डैड ये सब, ममाज बॉय कैसा, इधर उधर घूमने से अच्छा लगता है कि फैमिली के साथ बैठा रहूं, अपने रिलेटिव के साथ इतना टाइम हो जाता है मिले हुए उन लोगों से, तो घर वालों से बैठना अच्छा लगता है। बट नील और सुमित बहुत डिफरेंट लोग हैं, नील बहुत ही अलग है सुमित से। तीसरा जानना चाहेंगे अबाउट ट्रैवलिंग को लेकर, नील कितने ज़्यादा मतलब ये रहते हैं एक्साइटेड? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ मैं ट्रैवलिंग को लेकर, मैं तो चाहूँ तो एक के बाद एक डेस्टिनेशंस पर जाता रहूँ, बट मौका नहीं मिल सकता। मैं काफ़ी जगह घूमा हूँ, काफ़ी जगह मेरे को घूमना पसंद है। जब मैं दिल्ली में था तो मैं कभी मनाली, शिमला, ये क्या कहते हैं अपना चंडीगढ़, जयपुर, रात रात को ट्रैवल करते थे हम लोग, बहुत बहुत मस्ती की है दिल्ली में फ्रेंड्स के साथ। व्हाट अबाउट मुंबई, मतलब कितना एक्सप्लोर करते हो मुंबई को आफ्टर शूट? आफ्टर शूट काफ़ी जगहों पे गए हैं, फिर आप बोलो कि ये बड़ा होमली टाइप है, हम फिर चर्च गए थे एक बारी तो, और डिनर पे चले जाते हैं, काफ़ी मस्ती मारते हैं, ऐसा नहीं है मस्ती नहीं मारते, बट लिमिटेड मस्ती में। फैंस को बता दें कि नील के अलावा सुमित बहुत ज़्यादा होमली हैं, बहुत ज़्यादा घरेलू टाइप के बच्चे हैं, तो फूड्स का हो गया, ममाज बॉय हो गए, ट्रैवलिंग का हो गया, इसके अलावा चौथी बात अगर आप शेयर करना चाहो तो? चौथी बात अगर मैं शेयर करना चाहूँ तो मुझे गेम्स खेलना बहुत पसंद है। क्रिकेट खेलता था पर क्रिकेट अब यहाँ नहीं खेल सकता, तो मैं इंडोर गेम खेलता हूँ, वो भी इंडोर में ही क्रिकेट खेलता हूँ। गेम्स की बात चली है तो मतलब सुमित को मतलब कौन से गेम्स बहुत ज़्यादा पसंद है अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट? क्रिकेट तो हर कोई ऐसे उंगली उठाकर कहता था मुझे क्रिकेट पसंद है। नहीं नहीं, मुझे उंगली उठा के नहीं बोल रहा, उंगली दबा के बोल रहा, क्रिकेट पसंद है मुझे, और स्विमिंग पसंद है मुझे, फुटबॉल पसंद है, खेला हूँ मैं ये सब कुछ, करता था दिल्ली में, मैं अंडर 16 भी खेला हूँ दिल्ली में। किसी को पीटा आपने या फिर किसी को किसी से पिट गए हो या फिर किसी लड़की ने थप्पड़ मार दिया? नहीं नहीं, लड़कियाँ तो सिर्फ प्यार देती है, प्यार बांटते हैं हम भी, और स्कूल टाइम में होती थी लड़ाइयाँ, पिटे भी हैं पीटा भी है बहुत, बेल्ट और इन सब से पहली बार बोल रहा हूँ आपके सामने, पिटा भी हूँ और पीटा भी है काफ़ी दिल्ली में, तो ये सब बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं कि लड़ाइयाँ होती रहती हैं। मेरे काफ़ी स्कूल्स चेंज हुए हैं, थोड़ा पढ़ाई में वीक रहा था तो इस चक्कर स्कूल काफ़ी चेंज हुए, सेंट मेरी से फिर कॉन्वेंट स्कूल में आया, काफ़ी चीज़ें मैंने देखी हैं। नॉर्मल क्लास के साथ सीखा कि लड़ाइयाँ कैसे करनी है, और हायर क्लास वालों के साथ देखा कि पिटना कैसे। पेरेंट्स गार्जियन कॉल कितनी बार हुए हैं, क्योंकि ऐसे अगर पिटा विटा होगा या फिर पिट गए होंगे तो गार्जियंस तो बुलाते ही होंगे। जब पिटाई करके
करके आया हूँ और घर वालों को बुला दिया गया, तो घर वालों का एक्सप्रेशन ऐसे था, तू मार भी सकता किसी को? और पिट के आया हो तो फिर उनको लगा हाँ पिट सकता है, बट लड़ाई क्यों करी तूने, ऐसा तो नहीं है तू, मतलब दोनों टाइम पे उनको शॉकिंग एक्सप्रेशन था कि भाई ऐसा तो नहीं है ये, मतलब शांत रहता है ये सब, पर गुस्सा आ ही जाता है, इंसान है तो चलो गुस्सा आएगा ही। ओके ठीक है, थैंक यू सुमित अपनी 5 बातें शेयर करने के लिए। फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, आपके बारे में जानना चाहते थे। तो ये थे हमारे सुमित यानी कि नील। नील जितने ज़्यादा तेज तर्रार हैं वैसे ही सुमित उतने ही शांत और उतने ही मासूम से हैं। कैमरा पर्सन अमर मेहता के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, terrychakkar.com।